लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे अब वक्त पर हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे अब इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे जो है हम अपनी प्रोफाइल को 100 परसेंट कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहली बात यह कि यह क्यों इंपॉर्टेंट है प्रोफाइल को कंप्लीट करना कि अब वक्त भी आपको ईमेल करता है कि अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें बिकॉज इट इंक्रीज योर क्रेडिबिलिटी ऑन दैट प्लेटफॉर्म अब आप इमेजिन करें कि आप एक क्लाइंट हैं और आप एक फ्रीलांसर हायर करना चाहते हैं तो आप लिस्ट से गुजर रहे हैं जहाँ पर सब फ्री मौजूद हैं आप ऑब्वियसली उसी फ्रीलांसर को प्रेफर करेंगे जिसने अपनी प्रोफाइल पर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है अपनी वीडियो अपलोड की है इंट्रोडक्शन करते हुए जिसने अपना पोर्टफोलियो अपलोड किया हुआ है अपने टेस्टिमोनियल्स अपलोड किए हुए हैं अपनी वर्क हिस्ट्री अपनी एजुकेशन और ये सारी चीज़ें अपलोड की होंगी तो वो प्रेफरेबल होगा क्लाइंट के लिए तो आपने अब क्लाइंट की इस सोच को अपने जहन में रखना है और अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है तो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कैसे जो है आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये अब की ऑफिशियल जो है वेबसाइट पर दिया हुआ है कि कैसे आप हंड्रेड प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं सबसे पहले तो जो मस्ट चीजें रिक्वायर हैं वो प्रोफाइल फोटो प्रोफाइल टाइटल एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री इससे जो है आपकी 60 परसेंट प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद कुछ फोर्टी परसेंट ऑप्शनल चीजें हैं ये आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो आइटम एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एजुकेशन प्रोफाइल वीडियो आप जो जो ये चीज़ें अपलोड करते जाएंगे उस हिसाब से आपकी जो है प्रोफाइल कंप्लीट होती जाएगी और अगर आप पोर्टफोलियो आइटम एक अपलोड करते हैं तो पांच परसेंट इंक्रीज कर जाएगी और मैक्स आप चार करेंगे तो आपकी ट्वेंटी परसेंट जो है प्रोफाइल कंप्लीशन जो है इंक्रीज कर जाएगी इसी तरह एजुकेशन अगर आप एक ऐड करते हैं तो दस परसेंट से प्रोफाइल इंक्रीज करेगी अगर आप दो ऐड करते हैं तो आपकी जो है प्रोफाइल 20 परसेंट कंप्लीट हो जाएगी इसी तरह प्रोफाइल वीडियो तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहां पर अब वक्त अपनी आई डी लॉग इन की है यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल कंप्लीशन जो है वो 40 परसेंट है अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले मैं अपनी प्रोफाइल पर आता हूं यहां से मैं प्रोफाइल सेटिंग पर जा रहा हूँ और सबसे पहले मैं जो है एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को मैं पूरा कह लूँ यहाँ पर आपने कोई भी न्यू पासवर्ड लगाना है जो आपको लगता है स्ट्रॉन्ग है ये मैंने कोई एक न्यू पासवर्ड ऐड कर लिया है और बेसिकली आप इसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए क्या करते हैं कि आप कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं कुछ जो है नंबर ऐड करते हैं और कुछ सिम्बल्स ऐड करते हैं लाइक ऐट द रेट साइन या अंडर तो इस तरह की चीज़ आप ऐड कर सकते हैं तो आपका पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे आप देख दे सकते हैं कि दो टिक आ रहे हैं उसके बाद आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करेंगे ये डिफरेंट सिक्योरिटी क्वेश्चन हैं कोशिश करें ऐसा कुछ ऐड करें जो दूसरे को ना पता हो और आपको भी याद रहे मिसाल के तौर तो पर मैं यहाँ पर योर मदर्स मिडन नेम यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ नाम ऐड करने के बाद जो है मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर रहा हूँ येस येस और सेफ हमारी जो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो है वो कंप्लीट हो गई यहां मैं प्रोफाइल सेटिंग में आ चुका हूँ प्रोफाइल सेटिंग को आप जो है स्क्रोल डाउन करें और यहाँ पर आप लिंक्ड अकाउंट में से कोई एक अकाउंट अगर आपका नहीं है इनमें से कोई अकाउंट तो आप क्रिएट कर लें और उसको लिंक कर लें मिसाल के तौर पर मैंने ट्विटर जो है अकाउंट क्रिएट किया है मैं इसको जो है यहाँ पर अकाउंट बना लेता हूँ और मैंने अप किया हुआ है और मैं इसको ऑथराइज ऐप और ये जो है मेरा अकाउंट जो है वो लिंक हो चुका है अपनी प्रोफाइल पर आने के बाद मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहां पर आप देख सकते हैं कि आप डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं यहां पर पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं वीडियो इंट्रोडक्शन ऐड कर सकते हैं एजुकेशन हिस्ट्री ऐड कर सकते हैं यहां पर सबसे पहले जो है मैं एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड कर लेता हूं यहां पर आप उस कंपनी का नाम ऐड करेंगे जहां पर आपने कोई काम किया है शहर ऐड कर लेंगे टाइटल ऐड करेंगे और जो है और मंथ और ईयर ऐड कर सकते हैं यहां से आप और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं मैं फ़िलहाल कोई ऐड नहीं कर रहा डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, है। यहाँ पे आप सेफ पे क्लिक करेंगे और अगर अब आप यहाँ पर अब आप देखें तो आपकी जो प्रोफाइल है वो 80% परसेंट कम्प्लीट हो चुकी है इसके बाद जो है यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ और दूस, दूसरी चीज़ें तो यहाँ पर आप कोई भी अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं कि अगर आपने मिसाल के तौर पर स्कूल में कोई अवार्ड जीता है तो वहां पे आप ऐड कर सकते हैं और ये लिखने के बाद मैं यहां पर इसको सेव करूंगा और उसके बाद अगर मैं यहां पर एक और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड करता हूं और दूसरा कब तक काम किया है यहां पे वो सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर लेंगे और अब आप देखें कि आपकी जो प्रोफाइल है वो 95 परसेंट तक कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर आपने अभी सिर्फ दो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड की है एक एक्सपीरियंस ऐड किया है और जो है एक अकाउंट को लिंक करना है और उसके बाद जो है आप यहाँ पर एक एजुकेशन और ऐड कर सकते हैं ये उन लोगों के लिए है कि बेसिक है कि आपके पास में भी पोर्टफोलियो ना हो अभी तो आप ये चीज़ें ऐड करके अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन ऐड करके अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पर आप कोई भी जो है अब यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं यहाँ पे मैं पी यू सी आई टी को ऐड कर रहा हूँ आप कोई भी एसोसिएट डिग्री लिख लें और यहाँ पर मैं रैंडमली ऐसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से आप जो है ये ऑप्शनल है चलें हम इसको सेव कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर हमने बेसिकली दो चीज़ें ऐड कर दी हैं ये रैंडम ये मेरी एजुकेशन नहीं है बेसिकली लेकिन मैंने इसको रैंडम ऐड कर दिया है जस्ट टू शो यू कि आप किस तरह से अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं आप देखें कि आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% परसेंट कम्प्लीट हो चुकी है और अभी जो है मैंने यहाँ पर ना पोर्टफोलियो ऐड किया है ना मैंने टेस्टिमोनियल्स ऐड किए हैं ठीक है ना मैंने कोई सर्टिफिकेशन ऐड की है तो वो जो शख्स जो बिल्कुल न्यू है और बेगिनर है और उसको कुछ भी नहीं पता कुछ भी नहीं है उसके पास तो ये चीज़ें ऐड करके उसकी प्रोफाइल जो है 100 परसेंट कम्प्लीट हो सकती है लेकिन स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो ज़रूर ऐड करें क्योंकि ये आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इंक्रीज कर देता है कि अगर आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हैं आप कोई ऐप डिवेलपर हैं तो आप लाजमी जो है अपना पोर्टफोलियो यहाँ से ऐड करें और यहाँ से आप अपना पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर यहाँ से मैंने ये ऐड कर दिया यहाँ पर डेट ऑप्शनल है मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा यहाँ से आप गो टू सेलेक्ट टेम्पलेट करें ये बेसिकली तीन टेम्पलेट्स हैं अगर आप गैलरी को सिलेक्ट करते हैं तो आप डिफरेंट रिज़ल्ट ओरिएंटेड पिक्चर्स जो हैं अपलोड करेंगे केस स्टडी में क्या होता है कि आप जो है प्रॉपर एक केस बनाएंगे कि के ये प्रॉब्लम थी और ये इसका सोलूशन मैंने दिया ठीक है और क्लासिक में जो है ये ऑप्शन है कि आप क्लाइंट स्क्रोल डाउन करके आपका सारा काम देख सकता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं मेरे पास पिक्चर नहीं है तो मैं इसलिए अभी जो है ये नहीं कर रहा लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि आप ये कंप्लीट कर सकते हैं सारी नॉर्मल इन्फॉमेशन है आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में उसके अलावा टेस्टीमोनील्स होते हैं आप यहाँ से टेस्टीमोनील्स ऐड कर सकते हैं कि आप यहाँ पर वो क्लाइंट का नाम लिखेंगे जो कि अपवर्क पे मौजूद नहीं है आपने किसी का ऐसे क्लाइंट का काम का किया जो अपवर्क से बाहर है आप उसका नाम लिखेंगे ईमेल एड्रेस लिखेंगे और ये सब इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल पे क्लिक करेंगे तो वो अपवर्क जो है उन्हें ईमेल सेंड कर देगा आपके क्लाइंट को और अगर वो अप्रूव करता है तो आपका जो है टेस्टिमोनियल बेसिकली एड हो जाएगा तो इससे भी आपकी प्रोफाइल जो है प्रोफाइल कम्पलीशन इंक्रीज़ हो जाती है उसके बाद आप सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं यहाँ पर आपके पास डिफरेंट सर्टिफिकेशन की ऑप्शन हैं अगर आपके पास इन में से कोई सर्टिफिकेट हुआ तो आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो है हमें कोड रिक्वायर होता है तो उससे ये ऐड होगा और अगर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है किसी स्किल का जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप मैनुअली यहाँ पर वो उसका नाम लिख कर आ, सुजेस्ट कर सकते हैं आप को वो मैनुअली आप ऐड हो जाता है और उसमें एक ऑप्शन हमारे पास वीडियो इंट्रोडक्शन की भी है ये भी आप अपलोड कर सकते हैं कि आप एक मिनट की वीडियो बनाएं जिसमें आप कंप्लीट बताएं कि आप कौन हैं आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है और आप कैसे जो है वैल्यू ऐड कर सकते हैं क्लाइंट के लिए तो ये पूरा तरीका था कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल को 100% तक कंप्लीट कर सकते हैं और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि मैं इस तरह की काम काम की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा और आप वीडियोस को अपने दोस्तों अपने अजीज़ों के साथ लाजमी शेयर करते रहें बहुत शुक्रिया